नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आज द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत के दौरान दो बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहली ये कि वो सरकार के खिलाफ जो भी बोल रहे हैं इसमें सचिन पायलट की तरफ से कोई इशारा नहीं किया गया है। जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, उस पर वो अपनी बात रख रहे हैं। वहीं दूसरी बात उन्होंने ये कही कि वो मुख्यमंत्री गहलोत की कार्यप्रणाली से खुश हैं। क्या कुछ कहा है विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में, उसे विस्तार से सुनिए। सर, जिस प्रकार से मौजूदा सियासी परिदृश्य चल रहा, कल आपने प्रेस वार्ता की और आपने भी कहा कि यदि मेरे कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगा, क्या जरूरत पड़ी ये कहने की? क्यों, क्या आपको अभी भी ऐसा नहीं? ये संदर्भ में कहा था, आपके पत्रकार ने पूछा था कि ऐसा काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उस संदर्भ में मैंने कहा था कि अगर किसी विधायक के काम नहीं हो रहे तो उन्होंने अपने अंतिम हथियार होता है तो इस्तीफा देना। तो यही कहा था उस समय, मैंने यही कहा था कि अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में अगर विकास के काम नहीं हो, कार्यकर्ता के काम नहीं हो, तो मेरे को भी विधायक रहने का कोई हक नहीं है, ये बात मैंने कही थी। तो क्या आपके क्षेत्र में काम हो रहे हैं, आप सरकार के कार्यप्रणाली से खुश हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र में काम हो रहे हैं, जितने विकास के काम हुए हैं उतने विकास के काम आज से 50 साल तक कभी नहीं हो पाए। जितने काम मुझे कराने थे उतने काम हो चुके हैं, एक भी काम कोई चाकसू विधानसभा क्षेत्र का पेंडिंग नहीं। लेकिन कई काम जो SC ST के जो काम थे उनसे रिलेटेड काम थे वो कई बाकी हैं, कई काम हो चुके हैं। जैसे जो हमारा अम्बेडकर पीठ का काम था वो हो गया, LDC वाला था, जो बैकलॉग का वाला काम था वो हो गया। लेकिन अभी भी कॉलेज लेक्चरों के काम है और भी बैकलॉग के काम है, अपने SI की परीक्षा वाला काम है, काफी हमारे प्रतिनिधि में SC ST वाले जो काम है अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ काम पेंडिंग भी रह गए। तो नहीं, गहलोत मतलब कुल मिला के गहलोत सरकार से आप खुश है जिस प्रकार से आपके काम हो रहे हैं? देखिए, गहलोत सरकार से खुश है लेकिन कई जगह से जो काम है, जो पेंडिंग पड़े हुए काम है, SC ST संबंधित जो काम है, मेरे विधानसभा से मुझे कहीं तकलीफ नहीं है। मेरे विधानसभा में 100% के 100% मेरे काम हुए हैं। मेरे यहाँ CSC भी बनी है, तहसील भी बनी है, थाना भी बना है, कोर्ट भी बना है। मेरे यहाँ विधानसभा में मुझे कहीं दिक्कत नहीं है। उपजिला हॉस्पिटल भी बना है, अपने परिवहन काला भी खुला है, मुझे मेरे क्षेत्र से कहीं भी तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ ये है कि जिस समाज की हम पैरवी करते आए या जिस समाज से हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ST की सीटों, SC ST की सीटों से हम लड़ते हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उनकी जो समस्याएं उनको रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो ST ST वाले जो मामले हैं उनमें जो हमने उनको शिकायत दी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको लेकर मैं बच्चों को लेकर माखन साहब से मिला था, वो काम भी हमारे पेंडिंग है। सिर्फ उनकी तकलीफ है, जो जनता की तकलीफ है वो हमारी तकलीफ है, विधानसभा से कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमारे को। अच्छा, वेद प्रकाश जी, हेमा राम जी ने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया, इस इस्तीफे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? देखो, वही मैंने कल बात की थी कि हेमा राम जी बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत ईमानदार नेता हैं, जमीन जुड़े नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती आती है। शायद ही उनसे वरिष्ठ कई हमारे यहाँ पे नेता हूँ, 6-6 बार जीते हुए विधायक हैं। उनका इस्तीफा देना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं चुप रही है, उनकी सुनवाई नहीं हुई है। आवेश में आके उन्होंने दिया है या भावुकता में आके इस्तीफा दिया है या उनकी बिल्कुल नहीं सुनती थी इसलिए इस्तीफा दिया है, ये बात तो मेरे से उनकी बात नहीं हो पाई। कल मैं उनसे बात जरूर की थी, यही मैंने बात की थी उनसे कि आपको इस्तीफा वापस लेना चाहिए। मैंने आग्रह भी किया था, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके अगले इस्तीफे से अभी कुछ नहीं होगा, कांग्रेस को हमारे को मजबूत करना है, तो अभी के परिप्रेक्ष्य में आपको इस्तीफा वापस लेना चाहिए, आग्रह मैंने उनसे भी किया था और हम सब लोग हेमा राम जी के साथ हैं। वेद प्रकाश जी, एक जो बड़ा सवाल सियासी गलियारे में उठा वो ये है कि जो विधायक हैं वो सचिन पायलट के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, सचिन पायलट के इशारे पर ही आपने कल प्रेस वार्ता भी बुलाई और सरकार की मुखालफत की, क्या ये बात सच है? देखिए, न तो मेरी सचिन पायलट जी से वार्ता हुई, 4-5 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी जब ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की उनकी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उन्होंने टोंक के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह की काफी अच्छी व्यवस्था कराई थी। अब 5 दिन पहले मैंने उनसे आग्रह किया था कि मुझे भी सिलेंडर वगैरह मुझे दिला दीजिए, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर दिला दीजिए, इस संबंध में मेरी बात हुई थी। उन्होंने 7 सिलेंडर हमारे को भेजे भी थे, उसके बाद मेरी 4-5 दिन से कोई माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई है।
और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो भी मुद्दे हम जो सरकार के पक्ष वाले मुद्दे हैं, हम वो मुद्दे सरकार को रख रहे हैं, उन मुद्दों से सिर्फ ये कह के बार बार नहीं भटकाया जाए कि हम पायलट साहब के इशारे पे काम कर रहे हैं या पायलट साहब की गुट के आदमी है। इस समय सारे विधायक हैं जो अपने अपनी बात, कई लोग बात कहना चाहते हैं, कई लोग दबा के बैठे हैं, वही बात कह रहे हैं कि जहां कहीं ना कहीं चूक हो रही है, वो बात करना, अपनी बात को रखना, सरकार को आगाह करना, ये कोई पार्टी गतिविधि में नहीं आता। खिलाफत कर रहे हैं हम, या कोई सचिन पायलट जी हमारे कह के हम खिलाफत करवा रहे हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इन बातों को, जो मुद्दे होते हैं हमारे, सही मुद्दे होते हैं, सही मुद्दों को पायलट साहब की तरफ घुमा देना बार बार में, ये कांग्रेस को कमजोर करने की बात है। कि जो हम बात करें, हमसे टेबल पे बात करें ना, कौन बात करना चाहता है कि हम बताएं कौन सा सही है कौन सी गलत है। गलत है हमें बता दो कि जो हम मुद्दे उठा रहे हैं वो गलत है। हमने जो काम दिए, सीएसटी काम दिए, जो बच्चों के काम दिए, अगर वो गलत है तो मना कर दें कि भाई होने लायक काम नहीं है, नहीं हो पाएंगे तो हम बात नहीं करेंगे। अगर हमारे बैकलॉग वगैरह दे रहे हैं, हमारे पदोन्नति आरक्षण का जो मामला चल रहा है उसमें कहीं अगर खामी आए तो सरकार उनको दूर करे, अगर नहीं कर सकते तो हमें जवाब देगी, ये नहीं हो सकता। वेद प्रकाश जी, आप पहले भी ये बात कहते रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार पर हावी है और जो मंत्री हैं, कुछ अफसर हैं, वो विधायकों की बात नहीं सुनते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये सिलसिला अभी भी कायम है, क्या सचमुच विधायकों की बात नहीं सुनी जा रही? देखिए कि जो भी अधिकारी हैं अभी कोई बात नहीं सुन रहे थे। मैं जयपुर जिला कलेक्टर के बारे में बात कर लूँ कि 20 दिन से मैं उनको कोविड सेंटर खोलने के लिए बात कर रहा था, मेरी जीडीसी साहब से भी बात हुई थी, मेरी रवि जैन जी से भी, उसके जैन के लिए बात हुई थी। चाकसू विधानसभा क्षेत्र में कोई भी कोविड सेंटर नहीं खुला था 20 दिन से। कल उन्होंने मुझे कहा कि आपको 5 सिलेंडर वहां पे दे देते हैं, सीएससी में दे देते हैं, 5 आपने जो हॉस्पिटल खोला है उसमें दे देते हैं, 5 कोट कावदा में दे देते हैं। एक भी ऑक्सीजन कंजेटर उन्होंने नहीं पहुंचाया, जबकि मुझे 15 दिन से लगातार ये कह रहे थे अधिकारी कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, कल भेज देंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 दिन से अगर वो चीज तालमटोली कर रहे थे, 20 दिन पहले मुझे कह रहे थे कि हमारे को देने में 20 दिन लगेंगे, तो मैं जो व्यवस्थाएं मैंने अभी की थी, 4 दिन पहले की थी, ये व्यवस्था मैं 20 दिन पहले कर लेता तो कम से कम मेरे क्षेत्र की सेवा तो मैं अच्छी तरह कर लेता। अभी भी तो मैंने की है ना, कल मैंने बोला है ना कि आज अगर आपको ऑक्सीजन कंजेटर की जरूरत है तो मुझे बोलिए, मैं 5 पहुंचा दूंगा। इतने हुए हैं समाज सेवा करने के लिए, लोग आगे आना चाहते हैं, लोग देना चाहते हैं। जब हम खुद फील्ड के अंदर उतर गए तो हमारे को इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास में सफिशियंट ऑक्सीजन है, सफिशियंट हमारे पास में ऑक्सीजन कंजेटर है, चिकित्सा के सारे संसाधन हमने उपलब्ध करा लिए खुद ने, सारे चीज, बेड हो, ऑक्सीजन कंजेटर हो, चाहे और चिकित्सा संबंधित सामान हो, चाहे जनरेटर हो, जो भी चीज है, लोगों ने आगे बढ़ के सहायता करना शुरू कर दिया। हमने अपना खुद का एक प्राइवेट हॉस्पिटल गोद लेकर उसमें सारा की सारा मेडिकल का संसाधन उपलब्ध करा दिया। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या अधिकारियों ने 20 दिन से एक भी ऑक्सीजन कंजेटर नहीं उपलब्ध कराया? तो क्या कोरोना के इतना बड़ा काम अपन कर रहे हैं और गांव में उनकी सुविधा ही नहीं पहुंच रही? मेन मुद्दा ये था, कल परसों भी मैं जाके आया था कि जब यहाँ पे हमारे यहाँ कोविड सेंटर नहीं खोल रहे थे, मैं सीएमएचओ ऑफिस में खुद चला गया, वहां जाके पता लगा सीएमएचओ के पास में काम ही नहीं है। मतलब जितना बड़ा जिला जयपुर जिला और उनका सारा के सारा काम उठा के कोविड सेंटरों का जो काम है उन पर चार्ज हटा के और जयपुर शहर के प्रथम को दे दिया सीएमएचओ को। मतलब जहां तो कोविड के अंदर लोगों को वहां पे बात कर रहे हैं आगे से आगे बढ़ाने की और स्टाफ लगाने की, मेडिकल में इतने आरएस लगा रहे हैं, और जो सीएमएचओ जो काम दे रहा था मेडिकल का उसका काम ले गया फर्स्ट वाले को दे रहे, जो फर्स्ट वाला काम खुद का ही पूरा नहीं कर पा रहा। तो जो ये ऐसी चीजें हुई थी रत्नाराम, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराया, माने चीफ सेक्रेटरी को अवगत कराया, माने कुलदीप राका जी को अवगत कराया, सबको अवगत कराया ये चीजें। वेद प्रकाश जी, जैसे हालात बने हुए हैं, जो भी आपकी तकलीफें हैं इनको पूरा नहीं किया गया, तो क्या आपकी रणनीति है, क्या आगे की रूपरेखा रहेगी? देखो साधारण कार्यकर्ता है, हमारी रणनीति कुछ नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को बात जो पहुंच जाती है प्रॉपर, माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं या नहीं करते हैं, मैं अपनी बात को मुख्यमंत्री तक फिर पहुंचाऊंगा, फिर बात करेंगे। वो कहते भी हैं कि भाई तुम जो बात कहते हो सही बात कहते हो, कभी भी उन्होंने मुझे नहीं कहा कि तो फालतू की बात करता है या कोई गलत बात करता है। जब जब भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है,
मुख्यमंत्री जी ने हमेशा यही कहा है कि जो भी इशू लाते हो तुम जनता के हित के लाते हो, सही काम के लिए लाते हो और लोगों का जिसमें फायदा वही काम मैं बताता हूँ। तो जब तक मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो जाएगी, मुख्यमंत्री जी सुनते हैं, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से खुश हैं। देखिए माने मुख्यमंत्री जी को जो जो भी बात पहुंचाई गई है सीधे, जब जब भी मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई हो, चाहे एलडीसी का मामला हो, चाहे एलडीसी बैकलॉग का मामला था, चाहे हमारा अम्बेडकर पीठ का मामला था, तो जब उनके पास में सीधे संज्ञान में लाया गया तो वो काम हुए हैं। लेकिन एक दो काम है जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में बार बार लाने के बाद भी हम चार पांच एमएलए को प्रतिनिधिमंडल मिलना था उनसे, हम मकन साहब से भी मिले थे उस काम के लिए, लेकिन हमारे 153 जो बच्चे एससी एसटी के बच्चे हैं जो कॉलेज लेक्चर बन जाते वो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ऐसे इश्यू हैं जो वास्तव में हमारे सामाजिक जो लोग हैं, जो वास्तव में हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो अभी भी हमारे पर प्रेशर बनाते हैं कि जब हमारा चयन हो गया, जब एग्जाम में हम पास हो गए, उसके बाद हमारे पद काट कर हमारे को उनसे वंचित कर दिया गया। तो जब उनके बाद सिलेक्शन होने के बाद भी अगर उनकी नियुक्ति लगे तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए। तो इसलिए ऐसे काम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं उनसे बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि सीएम साहब ये काम कर दो, जिससे हमारे बच्चों को ये कह सकें कि समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं हम अपने समाज की बात को बार बार उठाते हैं, तो उनको लगे कि हमारे समाज के प्रतिनिधि हैं, वो हमारी बात को सुनते हैं और आगे तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। धन्यवाद वेद प्रकाश जी हमसे खास बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी, थैंक यू।